नारायण नारायण कहने लगा। जोग कयाधु ने अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। अब खाना बनाने के लिए गई, वापस आई, बोली महाराज मैं भूल गई वो तोता क्या कह रहा था। बोले देवी वो तोता नारायण 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 कह रहा था। पानी लेके आई, महाराज मैं भूल गई वो तोता क्या कह रहा था। एक बार नहीं 105 बार नाम उच्चारण करवाया पति के मुख से। अंतिम बार फिर आई और फिर आकर के कहा महाराज मैं बस अब नहीं पूछूंगी, मैं भूल गई, बस एक बार बता दो वो तोता क्या कह रहा था। अब गुस्से में है, हिरण्यकश्यप बोला अरे देवी मुझे गुस्सा आ रहा है, वो तोता नारायण 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 कह रहा था। बस 108 बार 108 बार नारायण का नाम निकलवा दिया मुंह से। भैया समय व्यतीत हुआ, मैया कयाधु गर्भवती हुई, तो देवतागण सोचने लगे कि ये राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने इंद्र को भेजा, इंद्र बंदी बना करके कयाधु को ले जा रहा है। रास्ते में बाबा नारद ने रोका और जवाब दिया कि हे इंद्र इस कयाधु को छोड़ दो। क्यों? नारी के इसी गर्भ से ही वो वीर पुत्र प्रगटाएगा जो अपनी अटल प्रतिज्ञा पर पाप का प्रताप घटाएगा। ऐसा भक्त पैदा होगा जो अपने बाप के नाम को मिट्टी में मिला देगा। छोड़ दिया कयाधु, वापस आई है 9 महीने के बाद कयाधु के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है प्रह्लाद। बोलिए भक्त प्रह्लाद की। प्रह्लाद पैदा हुए, नामकरण संस्कार हुआ, बड़े हुए तो शुक्राचार्य के शिष्य हैं संडामर्क, उनके विद्यालय में नाम लिखवा दिया। महाराज एक दिन ये प्रह्लाद वापस आ रहे थे और प्रह्लाद को हिरण्यकश्यप ने सिखा दिया था कि एक काम करना, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है जो भगवान हो, मैं स्वयं ही भगवान हूं बेटा, और जो नारायण है वो तुम्हारा बैरी है। चाहे व्यक्ति बुजुर्गों लाख जतन कर ले लेकिन नर कभी नारायण की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी करे। और एक बात और, जिसकी बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है और इतनी सुंदर है तो वह बनाने वाला कितना सुंदर और कितना चालाक होगा। और अगर देखा जाए ना तो हमारे भारत देश के लोग बहुत चालाक हैं। मनोज भैया एक बार एक अंग्रेज आया भारत में और भारत में आए कि वो सेव वाले की दुकान पे खड़े होएगो, बोलो भैया हमें हिंदी ना आए तो दो चार शब्द हिंदी के सिखाओ। अंग्रेज बोला सीख जाओ, वो सेव वाला बोला सीख जाओ। अब दुकान पे खड़ा कर लिया तो बोले सबसे पहले सुनो
हमारी दुकान पर जो ग्राहक आता है वो हमसे कहता सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते 50 रुपए किलो, सीख जाओ। फिर वो कहता है कि खराब है, तो हम कहते कुछ कुछ खराब है, ये भी सीख जाओ। तीसरी बात वो कहता हम नहीं लेंगे, तो हम कहते कि तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। अब 50 रुपए किलो कुछ कुछ खराब है, तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। तीन बातें अंग्रेज सीख गया। अब वो सेव वाला तो चला गया, अंग्रेज को दुकान पे खड़ा कर गया। एक लड़की आई, लड़की खड़ी हुई, अंग्रेज से पूछा, भैया, बोले हाँ, स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है? अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब उसे उतना ही आता था, बोला 50 रुपए किलो। लड़की बोली तेरा दिमाग खराब है? हाँ, अंग्रेज बोला कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं।